Okay, so assalamu alaikum you all. This is Zohar Ashif Siddiqui, and today we are live, and the topic is anger management, like aggression and anger management. We are going to talk about aggression first, like what is aggression basically, and then how we can manage our anger. That is basically the anger management. Can you hear me, मिज़ो? जी. श्योर, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है. सो काइंडली सबसे पहले जो है ना वो आप हमें अपने बारे में बताएं थोड़ा, और उसके बाद फिर हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं. अच्छा ठीक है. अपने बारे में एज इन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ और माय एजुकेशन राइट. जी, एवरीथिंग. आप जो है ना वो ये बताएं, आपकी एजुकेशन भी बताएं और आप अभी क्या कर रही हैं, ये चीज़ें भी आप जो है वो ऑडियंस के साथ शेयर करें. ठीक है ऑल राइट. ओके सो करेंटली आई एम डूइंग माय आई एम डूइंग जॉब. आई हैव डन माई बैचलर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम भेरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी कराची कैंपस, एंड दैट वॉज द डिग्री ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली. एंड आई हैड सम ऑफ द क्लिनिकल कोर्सेज, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कोर्सेज एज वेल. सो ऑब्वियसली एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्लिनिकल थिंग्स. देन आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम भेरिया यूनिवर्सिटी इन लास्ट फैब इन फेब्रुअरी. तो उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड माई जॉब इन एच आर एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. करेंटली आई एम वर्किंग एज अ टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर एट आईबेक्स पाकिस्तान, एंड आई डू गिव सेशंस ऑन सिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज. आई एम पार्ट ऑफ इट. सो टुडे दिस इज माई फर्स्ट सेशन, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस ऑनलाइन सेशन ऑन द टॉपिक दैट इज द एंगर मैनेजमेंट, एग्रेशन एंड एंगर मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रेशन. कैन वी स्टार्ट? जी मिस्जो, वी कैन हियर यू. काइंडली बताइएगा इस टॉपिक के बारे में, एग्रेशन एंड एंगर मैनेजमेंट के बारे में. All right. So let's start with the aggression. First of all, there is a thin line between the aggression and anger. लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में में जो है वो कंफ्यूजन रहती है कि गुस्सा गुस्सा जो है वो एग्रेशन होता है, और एंगर जो है हमारा एंगर हमारा एक नॉर्मल बेसिक इमोशन है. ठीक है, एंगर और एग्रेशन का जो डिफरेंस है बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो हर इंसान को पता होना चाहिए. तो एंगर जो है वो हमारा एक बहुत ही बेसिक इमोशन है दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय ऑल पीपल एवरीवन, दैट्स द कम्प्लीटली नॉर्मल एंड यूजुअल एंड हेल्दी ह्यूमन इमोशन. ठीक है, एंगर इज बेसिकली लाइक के जिस तरीके से आप खुश होते हैं, जिस तरीके से आप रोते हैं, उसी तरीके से आपको गुस्सा भी आ सकता है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्यों आता है कि एंगर जो है या एंगर क्यों हो रहा है या किसी बंदे को गुस्सा क्यों आ रहा है? जब एंगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता है एंड इट गिव्स यू द फिजिकल ट्रिगर्स और आपका आपकी चीजें खराब होने लगती हैं, वहां पे इट बिकम्स एग्रेशन. व्हेन इट आउट ऑफ कंट्रोल एंड टर्न्स इनटू द एग्रेशन दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ रही है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रही है, एंड इट एक्चुअली अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो वहां पे वो एग्रेशन बन जाता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर और एग्रेशन? एंगर एंगर इज द फीलिंग बेसिकली, एंड एग्रेशन जो आप एक्शन करते हैं उन फीलिंग्स की बेस पे. एक फीलिंग आपको आ रही है लेकिन वो एक्शन आपका फिजिकली गलत है, दैट इज बेसिकली द एग्रेशन. ठीक है, अच्छा क्यों आता है गुस्सा लोगों को? कोई एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं, कोई इंटरनल इवेंट्स भी हो सकते हैं. किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से आ सकता है, आपको कोई इंसान बुरा लग रहा होता है, उसको देखते हैं गुस्सा आने लगता है. कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, आप घर से सुबह बिल्कुल ठीक निकले थे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, और जाते जाते कहाँ जो कहीं पे भी और गोइंग टू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और ऑफिस, और आपको जो है वो ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो एक इवेंट है. तो बेसिकली कोई भी एक एक चीज हो सकती है जो आपका एंगर या आपका एग्रेशन को जो है वो कॉज कर रही होती है. ठीक है, वो ट्रिगर कर रही होती है, या कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है. नंबर थर्ड इज द मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमेटिक एंड यू नो दैट एंगर इवेंट्स. कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो के ट्रॉमेटिक होते हैं.
भाग में कोई इवेंट हो गया आपके साथ, दैट इज फाइन, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो सकते हैं। किसी को देख के गुस्सा आ गया, यू आर फाइन, वो बंदा चला गया, फिर गुस्सा नहीं आ रहा। लेकिन जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए होते हैं, दैट कुड बी एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, दैट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ बचपन में जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और एंगर शो कर रहे होते हैं अंदर से, बट वी आर अनअवेयर ऑफ दिस बिकॉज इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अभी तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, बट इन पास्ट फ्यू ईयर्स व्हेन यू आर अनअवेयर अबाउट इट, तो उस वक्त इतना ज्यादा नहीं इन चीजों के बारे में देखा जाता था। लेकिन अब जो है लोगों को ये अवेयरनेस आने लगती है कि फ्रस्ट्रेशन इंसान के अंदर बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, फजूल में गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है, क्या चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है अंदर से। एक बात हमेशा हमें ये चीज सोचनी चाहिए दिमाग से कि गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो देयर इज सम रीजन, और वो रीजन क्या है, वो ट्रिगर क्या है, अगर आपने उस ट्रिगर को जान लिया तो आप उस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आपको वजह नहीं पता होती, रूट कॉज पता नहीं होता किसी चीज का, तब तक आप उस चीज के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ट्रिगर मालूम करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, जिस तरीके से एग्रेशन जो है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एग्रेशन एक्चुअली हमारा बॉडी में रिस्पॉन्स भी देता है, जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, हमारा ब्लड फ्लो राइज हो जाता है, मसल्स जो है टेंस होने लग जाते हैं, और जो केमिकल हमारे पर एड्रेनलिन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आए ना, ब्लड स्ट्रीम, वो सब भी इफेक्ट करना हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, किसी का फेस एकदम से लाल हो जाता है, किसी के कानों पर इफेक्ट होता है और उनके कान एकदम से लाल हो जाते हैं। तो वो जो रेडनेस होती है, या वो जो भी आपको किसी को पसीना आना शुरू हो जाता है, कोई एकदम से जस्ट ठंडा हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, तो ये सब चीजें फिजिकली भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, इन सब चीजों को ठीक है, ये हो रहा है, इसकी दो वजहें भी होती हैं। एक ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स होता है, इनबॉर्न टेम्परमेंट होता है, कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो जेनेटिकली ये चीज आती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एंशियस बाय नेचर होते हैं, उनके अंदर टॉलरेंस और फ्रस्ट्रेशन बहुत ही लो लेवल में होती है, और हैविंग जो एंग्री पेरेंट्स, कि अगर ये जेनेटिक्स होता है, एंगर इश्यूज आपके जेनेटिकली भी आते हैं, कि अगर आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स के पेरेंट्स को गुस्सा है, तो वो आने आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी आता है। आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली सिचुएशन कैसी हैं, बहुत स्ट्रेसफुल चीजें हैं, उसकी वजह से भी आपका बैड टेम्पर उसके अंदर होता है। जिस कल्चर के अंदर हम रह रहे हैं, हमारा जो मैस्कुलिन कल्चर है, जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, उसके अंदर मेल डोमिनेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसके अंदर देर इज ओनली द एक्सेप्टेबल, जो एंगर है उसको समझा जाता है कि दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल फॉर मेल्स, ठीक है, मेल्स ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं, दे कैन बी अपसेट, दे कैन बी यू नो, दे कैन बी एंगर ऑन समवन, ठीक है। तो कुछ सर्टेन इन्वायरमेंट्स भी होते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, अब वहां पे दो चीजें ये हैं कि मैन कुड बी लाइक ही कैन शो एंगर, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन हमारी फीमेल्स के अंदर होती है, कि वो ज्यादा जोर से अपना एग्रेशन निकाल नहीं सकती, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकती हैं, वहां पे भी ये दोनों चीजों के मसले आते हैं, कि एक बंदा जो एंगर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, और एक जो उस फ्रस्ट्रेशन जो एंगर को अंदर रखे, और वो आपका फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी फिर कहीं ना कहीं निकलती है, एंड इट कॉजेज यू इंटरनली। इसके हमारे पास क्या चीजें हैं जो कि सही इस चीज को कर सकती हैं, तो सही करने के लिए जो मैनेजमेंट के तरीके हैं हमारे, उसमें सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट थे, हु वाज जेरी डिफेनबैचर, पीएचडी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एंगर मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की हुई थी, एंड ही said के hot headed people जो होते हैं, like some people are really hot headed. Hot headed का मतलब ये है कि hot headed than others, that they get angry more easily and more intensely than the average person. ठीक है, एक average person गुस्सा आना, जैसे मैंने पहले बताया कि it's unhealthy. ठीक है, ये बहुत ही healthy है. एंगर एक हेल्दी इमोशन है, उसको आप शो करते हैं, वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिजिकली आपकी डेली लाइफ कंसर्न्स को अगर इश्यूज कर रहा है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम एंड दैट विल बी एग्रेशन। लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, हर कोई एग्रेशन शो नहीं करता। हमारे पास जो हॉट हेडेड जिनको उन्होंने बोला, वो लोग हैं कि एवरेज लोगों को जो गुस्सा आता है, कुछ लोगों को उनसे बहुत ज्यादा आता है।
पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, किसी भी इंसान के बारे में कोई बात होती है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि इस बंदे के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इस बंदे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. तो दे आर लाइक कि वो हॉट हेडेड लोग हैं, या उनको एवरेज लोगों के से ज्यादा गुस्सा आता है. क्यों? व्हाई फ्यू पीपल गेट एंग्रियर देन अदर्स? उनके अंदर लो टॉलरेंस होती है फॉर फ्रस्ट्रेशन. अब फ्रस्ट्रेशन और एंगर, एग्रेशन, इन दोनों का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है. फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो इस वजह से होती है कि इट्स समथिंग दैट कॉजेज यू इंटरनली, आपके जो इमोशंस हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दो चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं. फीलिंग्स के आप कुछ कुछ आपको महसूस हो रहा है, और वो महसूस जो आप कर रहे हैं उस महसूस करने पे जो फिजिकली आपका रिएक्शन आता है, दैट इज योर इमोशन. इन दोनों चीजों की वजह से जो अगर आप कभी मिजो आपकी आवाज नहीं आ रही हो. कैन यू हियर मी? आपकी वॉइस जो है वो बीच में कट के आ रही है, तो अगर आपके पास कोई नेट का इशू है तो काइंडली इसको रिजॉल्व अगर कर सकती हैं तो आप काइंडली इसको कीजिए. ओके ऑडियंस, अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सेशन, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में इसी में अपना जो है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल को हम जो है वो आंसर करें. जी मिजुआ, काइंडली कंटिन्यू. जी कैन यू हियर मी नाउ? जी जी आई कैन हियर यू. ठीक है. और जो हमारे इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, और इनकी वजह से आपके अंदर जो है वो एक एग्रेशन और एक फ्रस्ट्रेशन बेसिकली आती है, और वो लो फ्रस्ट्रेशन होती है. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू शुड हैव टू यू नो एक्सपेल योर फ्रस्ट्रेशन. हमेशा फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना ज़रूरी नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन को हमेशा इंसान अपने अंदर रखे, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको होता है उतना ज़्यादा आप एंगर शो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं निकलता है. बहुत सारे लोगों का एग्रेशन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है. कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, कुछ लोग चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, और कुछ लोग रो के भी गुस्सा निकाल लेते हैं कि उनको फ़ौरन से रोना आ जाता है. तो ये हर तरह के डिफरेंट तरीके हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली द थिंग कि किस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है आपके एग्रेशन को. ठीक है, वो एंगर जो इमोशन है, एंड दैट इज़ इंटरनली, वो आपके उसको बाहर निकालने के लिए एक्सटर्नल कौन सा तरीका है जो वो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है. उसके बाद हमारे पास आता है, एक हमारे पास होता है हेल्पफुल, और एक होता है हमारे पास हार्मफुल. हेल्पफुल होता है हमारे पास इफ वेंटिंग एंगर यू कैन गेट, लाइक आपको कोई चीज गलत हो रही है आपके साथ, ठीक है, यू कैन गेट ओवरकम और ऑब्स्टिकल एंड योर अचीविंग योर गोल्स. ये बताइएगा कि हम इसको एंगर को जो है वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके जो है वो क्या टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं एंगर की. ठीक है. अच्छा, एंगर मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले तो ये मैं बताती हूँ कि एंगर मैनेजमेंट, द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट कि एंगर इज गेटिंग मैनेज, लेकिन कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है वो. ठीक है, सब कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बता दें मैं क्या करूँ, मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए. गुस्सा ख़त्म, एंगर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एंगर आपका मैनेज होगा समहाउ. यू कैन हैव सम थिंग्स, यू कैन हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि उसको किस तरीके से आप कम कर सकते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज एंगर इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में रहना ज़रूरी है. ठीक है, वो एक इमोशन है, वो हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा. जैसे आप हैप्पी होते हैं और आप सैड होते हैं, उनमें से कोई एक भी इमोशन ख़त्म हो जाता है, फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपकी लाइफ जो है वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. इसी तरीके से एंगर के बगैर भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट इज़ एन इमोशन और वो आपके साथ हमेशा रहेगा. मैं एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि पर्पस क्या है. ठीक है, पॉजिटिव पर्पस आ रहा है या नेगेटिव पर्पस आ रहा है. सही है,
अब उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि वो चीज जिसकी जिस जो भी वजह है या जिस वजह से भी वो मसला हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है उस एंगर का, और उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है या फंक्शन है उसको आप डिक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, एक बात है, उस बात के ऊपर आपको गुस्सा आया है, अब उस बात को के कॉज के ऊपर आपको जाना है सबसे पहले. ठीक है, दिस इज द मैनेजमेंट ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू शेयर. सबसे पहले, उससे भी पहले चलें, एक बात हो गई है जिसपे आपको गुस्सा आ रहा है, द फर्स्ट थिंग ए में आपने करना ये है कि यू हैव टू काम योर सेल्फ इफ यू आर ऑलरेडी मैड. अब यही इशू आता है कि भाई गुस्सा मैनेज कैसे करें, कैसे काम हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है. यू हैव टू जस्ट डीप ब्रीथ. ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा आपने जोर से सांस लेना है, और उसके बाद यू हैव टू रिलीज इट एंड यू हैव टू बी काम. और बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा हो किसी भी सिचुएशन में, तो आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं. यू हैव टू बी अलोन. अकेला रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्रेशन में हमेशा हम सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और जब आप इर्द गिर्द होते हैं लोगों के तो वो ज़्यादा जो है वो बुरा कॉज उसके ऊपर पड़ता है. सबसे पहले आपको उस जगह को छोड़ के चले जाना है, बिकॉज जो सिचुएशन हुई भी होती है, जो जगह होती है, वो आपको और ज़्यादा एग्रेशन दिला रही है. जो चीज़ हो गई है उसी के अंदर मौजूद रहेंगे तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसी की बात करेंगे तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा. वी से दैट कि हम यार इस चीज़ के बारे में बात नहीं करो, मुझे गुस्सा आ रहा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा. ठीक है, उस सिचुएशन को छोड़ के आप चले जाएं. द फर्स्ट थिंग इज दैट एंगर को मैनेज करने का, आप उसी वक्त उस जगह को छोड़ के चले जाएं. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू काम योर सेल्फ. आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं. यू हैव टू से, एक आपका काउंटिंग हो गया कि आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज कि आप अपना नाम लेकर एंड यू हैव टू से जस्ट काम, जस्ट काम, जस्ट काम. इस तरीके से आप अपना नाम लें, और अपना नाम के साथ यू हैव टू से कि जस्ट काम. ठीक है, देन जो लोग चीज़ें फेंकते हैं या जो लोग एग्रेशन को फिजिकली शो करते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है. नॉर्मल एक्सरसाइज, हाथ आप ऊपर करके एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर बॉयज़ हैं तो वो पुशअप्स कर सकते हैं. एक्सरसाइज से आपका गुस्सा बहुत अच्छा निकलता है, बिकॉज ऑलरेडी आप फिजिकली इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हुए होते हैं उस वक्त कि यू हैव टू जस्ट एक्सपेल योर एग्रेशन उस वक्त किसी पे भी. तो उसमें ये हो सकता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका एग्रेशन भी निकल जाता है फिजिकली, जो इंटरनली फिजिकल आने की कोशिश कर रहा होता है. सेकेंडली कि वो एक पॉजिटिव वे के अंदर जा रहा होता है. उसके बाद बैठ के आपको, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको रोना आ रहा होता है या जो अकेले चले जाते हैं, दे हैव टू टेक वन डायरी विद देम. एक डायरी अपने साथ रख लें, और उस डायरी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जो भी उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होता है या जो भी बुरी लग रही है, उस डायरी के अंदर जो है वो लिखना शुरू कर दें जल्दी जल्दी. तो वो उन लोगों के साथ ये हो सकता है कि दे कैन बी लाइक, वो उनको उनको रोना आ रहा होता है या उनको वो किसी से वो बात नहीं कर पाते हैं, उनको उस वक्त अकेला अकेला वक्त चाहिए होता है. तो उस अकेले वक्त के अंदर इट कैन बी लाइक के वो जो है गुस्से में अकेले अकेले बैठकर जो है उस डायरी के अंदर वो चीज़ें लिख सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है. फैमिली में बैठा होता है और उसकी बातों में गुस्सा आ जाए तो वहाँ से उठकर बुजुर्ग के एक बेअदबी का तसव्वुर करवाना है, तो इस तनाजुर में क्या करना चाहिए? से उठकर चला जाना बुजुर्गों के हाँ एक बेअदबी का तसव्वुर करवाना है. ठीक है, देखें, अगर तो आप सज्जाद अगर तो आप उस वक्त आप कह रहे हैं कि अगर घर में बड़े बैठे हैं और उनके सामने उठ के चले जाना बेअदबी है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका वो फिजिकली इमोशन जो है नहीं हो रहा, ठीक है, फिजिकली इमोशन आपके पास आप शो नहीं कर रहे हैं और आपके अंदर थोड़ा सा ये है कि आप अपने अंदर तक रख सकते हैं, तो उसमें आपके पास 1-2-3 टर्टल टेक्निक होती है. उस 1-2-3 टर्टल टेक्निक में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले गो इनसाइड योर शेल. ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप उठ के भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप वहां पे कुछ बोलना चाह रहे हैं या कुछ नहीं बोलना चाह रहे, दो सिचुएशन है. ठीक है, थिंक बिफोर यू एक्ट. आप उसके बारे में सोचें
आप उस बात को सुने नहीं, आप अपने अपने आप को सोचें, देयर इज वन शेल इन योर माइंड, ठीक है, एक टर्टल टेक्निक है, इसको आप याद कर लें कि दिस इज 1 2 3 टर्टल टेक्निक, एक शेल आपके दिमाग में है, आप उस शेल के अंदर गए हैं, वहां पे जाके आपने रिलैक्स किया है, आपने 3 दफा डीप ब्रीथ किया एंड यू जस्ट काम योर सेल्फ, ठीक है, यू जस्ट काम योर सेल्फ. तो जब आप उस शेल के अंदर चले गए हैं, यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर, ठीक है, आपने उसके उस चीज के बारे में वहां पे सोचा ही नहीं है कुछ भी. या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उठ के नहीं जा सकते और आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तो अगेन 1 2 3 टर्टल टेक्निक आपकी यूज हो सकती है कि आप उस शेल में जाके टेक 3 times डीप ब्रीथ एंड देन यू कैन टेल देम सॉल्यूशन, थिंक ऑफ अ गुड सॉल्यूशन कि आपके पास उस चीज के बारे में जवाब कौन सा है, ठीक है. हमेशा हमेशा हमें सबसे पहले काम डाउन करना होता है, अपने बारे अपने आप को म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करनी है दोनों तरफ से. आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, यू बोथ आर इन एग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करना जरूरी है. जितना ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, हो सकता है उतना गुस्सा उस सामने वाले को भी आ रहा हो. यू हैव टू नेम द प्रॉब्लम. हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसला यही है कि हमें जब गुस्सा आता है तो हमें वजह नहीं पता होती, हमें रूट कॉज पता नहीं होता, बस गुस्सा आ रहा है, उसने ये कह दिया था तो गुस्सा आ गया, उसने वो बात जो कही है उसने क्यों कही है, व्हाट वाज द रूट कॉज, फाइंड द इशू, नेम द प्रॉब्लम. जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को नेम कर लेते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैग लगा देते हैं, बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है. आपने ये चीजें देखी होंगी बहुत ज्यादा कि वो लोग जिनको पता होता है कि उनका ट्रिगर क्या है, जिनको पता होता है कि उनको किस बात पे गुस्सा आएगा, वो बहुत ज्यादा उस चीज पे कंट्रोल कर लेते हैं. तो सबसे ज्यादा एंगर को मैनेज करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि यू हैव टू फाइंड योर ट्रिगर. वो क्या बात है जो आपको ट्रिगर कर सकती है, वो क्या सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर सकती है, आपको उसे नेम देना है. इस चीज के ऊपर बैठें और सोचें कि मुझे एक, एक जब आपको किसी, जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको एक ही चीज पे गुस्सा है, आपको नई सिचुएशन थी आपको एकदम से गुस्सा आ गया, बाद में आप उस चीज को बैठ के सोचें कि आपको गुस्सा किस बात पे आया था, बात क्या थी, प्रॉब्लम पता चल जाएगी, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको फील क्या हुआ, फीलिंग्स क्या थी, फील करने के बाद जो आपने एग्रेशन शो किया पहला ट्रिगर क्या था. जब आपको ये फीलिंग्स, आपका ट्रिगर और आपका कॉज पता चल जाएगा, आप उसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, आप उस चीज को अवॉइड करेंगे फिर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसको गुस्सा आए, वो एग्रेशन शो करे. और बहुत सारी चीज़ें, खैर उसके अंदर भी फिर वो पर्सनैलिटी वाला पूरा टॉपिक आ जाता है, वो आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमाज आ जाते हैं, योर साइकोलॉजिकल स्टेट आ जाती है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम हर चीज़ के ऊपर बात कर सकें. इन सारी तीनों चीज़ों को देखने के बाद, व्हेन यू फाइंड द सॉल्यूशंस बहुत सारे निकलेंगे, उसमें से यू हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑफ देम, जो बहुत आसान हो और जो आप कर सकते हो, जिसका फ़ायदा भी हो. देन यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि आपने इस पे काम कर लिया है. उस सॉल्यूशन को, हो सकता है वो सॉल्यूशन हर दफा काम आने का नहीं हो, तो वो जो आपने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले हैं, यू हैव टू टेक 2 or 3 ऑफ देम एंड देन आपने उन सॉल्यूशंस को भी इवैल्यूएट करना है कि क्या वो सॉल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम के ऊपर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा. अगर नहीं चल पा रहा तो यू कैन मेक सम चेंजेस इन दैट. कैन यू हियर मी मिस्वा? जी जी मिजो, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक्स भी हमारे साथ शेयर की एंगर मैनेजमेंट की, और इसको आपने जो वो अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है. अभी चूंकि हम जो है वो हमारा टाइम अभी एंड होने को है, तो काइंडली थोड़ा सा आज के सेशन का आप रिव्यू दे दीजिएगा, मतलब शुरू से एक जो है ना वो मतलब रिकेप दे दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आज हमने जो है वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की है, मतलब थोड़ा सा इन शॉर्ट वर्ड्स में एंगर एग्रेशन और एंगर मैनेजमेंट को आप डिफाइन कर दीजिएगा, और उसके बाद टेक्निक्स जो है वो भी थोड़ा एक मतलब आप रिपीट कर दीजिएगा, ताकि सम अप जो है वो लास्ट में हो सके हमारा सेशन. ठीक है, ठीक है. सो कंक्लूड करने के लिए इस चीज को जो है हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. सो इट्स लाइक के हमने सबसे पहले एंगर और एग्रेशन की बात करी कि एंगर और एग्रेशन में फर्क क्या है. एग्रेशन कोई गलत बात नहीं है, एंगर कोई गलत बात नहीं है. एंगर एक इमोशन है हमारा जो कि हर इंसान के अंदर होता है, और जो एग्रेशन है
वो जो जो एंगर आपका आप अंदर से फील करते हैं कुछ भी, और वो आपका फिजिकली बाहर जब आता है, वो फ्रस्ट्रेशन जो बाहर आती है वो आपका एग्रेशन होता है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हेयर, दैट इज के कभी भी कोई भी चीज़ जो आपकी फंक्शनिंग को ख़राब कर रही हो, आपकी लाइफ को ख़राब कर रही हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब कर रही हो, वो मसला है. एंगर, गुस्सा जाना कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर वो फिजिकली या दूसरी तरीके से किसी चीज़ को ख़राब कर रही है, सो दैट विल बी एग्रेशन. वो फिर एग्रेशन के अंदर आता है. तो हमने एंगर और एग्रेशन का डिफरेंस देखा कि एंगर एक इमोशन है, एग्रेशन उसका फिजिकल रिएक्शन है, योर बॉडीली रिएक्शन. उनको मैनेज करने के लिए वो आते कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स से भी और जेनेटिकली भी होता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. देन एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी जो कि सेल्फ ओनरशिप होती है. आपको हर चीज़ की ओनरशिप लेना ज़रूरी है. यू हैव टू रिमेंबर दैट पीपल आर प्रीशियस. आपने अगर किसी को कोई गलत बात बोल दी है, यू हैव टू वॉच योर थाट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस. जब आप इस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं कि आई स्टॉप हर्टिंग पीपल विथ माई वर्ड्स एंड विथ माई एक्शंस, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. तो ओनरशिप लेना ज़रूरी है. अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत बात की है, तो यू हैव टू गो एंड से सॉरी. सॉरी कहना आसान नहीं लगता, लेकिन सेल्फ ओनरशिप भी एंगर मैनेजमेंट का एक पार्ट है. उसके बाद मैंने एंगर मैनेजमेंट पे बात करी थी कि उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ. उस सिचुएशन से चले जाएं, उस सिचुएशन को छोड़ दें. ये एक बहुत बड़ी ये एक सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि वो आपको फिर मज़ीद ट्रिगर नहीं करती है. अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है, और अपने ट्रिगर्स को, क्या चीज़ आपको फील हुई, आपके थॉट क्या आया दिमाग में, क्या इमोशन शो हुआ, आपने फील क्या किया, और उसके बाद आपका ट्रिगर क्या था. गुस्सा जब शुरू होता है आना, क्या चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया. इन सब चीज़ों के ऊपर जब काम करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप एक नाम देंगे. यू हैव टू नेम द प्रॉब्लम सो दैट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, कि उस पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है. डीप ब्रीथ्स लेना विथ योर नेम, जस्ट अपना नाम कॉल आउट करके, कॉल योर नेम एंड से रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स सो मैनी टाइम्स, ठीक है, जितनी दफ़ा बोल सकते हैं. ये एक्चुअली वर्क करता है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है. देन जो लोग फिजिकली कर रहे होते हैं एंगर शो अपना, वो एक्सरसाइज फॉर ही स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं तो इट्स वेल एंड गुड. जो अक्सर लोग गुस्से में दिखा रहे होते हैं इन द मूवीज, दैट दे हैव दैट बॉक्सिंग वाला इक्विपमेंट और वो उसके साथ, दैट इज़ वेरी हेल्दी. वो आपकी एनर्जी गलत चीज़ में नहीं यूटिलाइज हो रही होती, वो पॉजिटिवली और हेल्दी होता है. गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा फिजिकली निकल भी गया है, एंड यू जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, आप पुशअप्स करना शुरू कर सकते हैं, एनीथिंग. देन वी हैव 1 2 3 टर्टल टेक्निक. टर्टल टेक्निक ये हो सकती है कि व्हेन यू वांट टू से समथिंग, गुस्सा आ रहा है, गुस्से में सिचुएशन को हैंडल करना है, बात करनी है, उसे जगह छोड़ के नहीं जा सकते. सॉरी. सो नंबर वन इज गो इनसाइड योर शेल. देयर इज वन शेल इन योर माइंड. एक शेल बना लें अपने माइंड में, जैसे एक टर्टल होता है, उस टर्टल का एक शेल होता है. गो इनसाइड योर शेल, सोचें बात क्या हो रही है, टेक अ टाइम आउट, रिलैक्स करें वहां पे, एंड फाइंड अ गुड सॉल्यूशन. व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 2 3 शेल टर्टल टेक्निक, क्योंकि उस शेल में से आपने फॉरन सॉल्यूशन निकालना है. यू डोंट हैव मच टाइम. उसी टाइम पीरियड में आपने उस शेल में से पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है कि अभी सिचुएशन के अंदर हम कैसे इस चीज को, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है. सॉल्यूशन निकलेगा तो आपका एंगर ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा. आपने अच्छे तरीके से वो हमें टेक्निक्स भी शेयर की, और ये जो है एंगर मैनेजमेंट का सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसको एंड अप किया, कंक्लूड किया. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, और उनको एक अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो नॉलेज जो है वो शेयर की, ताकि वो अपने एंगर को किस तरीके से मैनेज कर लें अपने फ्यूचर लाइफ में. और इंशाल्लाह हम होपफुली कि हम नेक्स्ट जो है वो किसी और टॉपिक के ऊपर अपने ऑडियंस के लिए आएंगे और आपसे जो है वो टाइम लेंगे, और इंशाल्लाह मजीद हम जो है वो सेशंस में अपने ऑडियंस को डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.